स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 16 सी करेंगे। पहले हमने एक्सरसाइज 16 बी तक कर लिया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला था वो सब। आज हम करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऊपर सेंटीमीटर दिया है, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे ही समय इसमें मल्टीप्लाई करना है। 4 3 कितना आएगा 12, तो यहाँ पे 2 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। 4 2 8 के अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9। यहाँ पे ऊपर सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 92 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट है, 6 9 54, तो 4 यहाँ पे 5 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। अब देखो 6 1 6 के अंदर हमें 5 ऐड करना है, 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे क्या आएगा 11 मीटर है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है मीटर। हो गया। आप नेक्स्ट है, किलोमीटर दिया है तो हम यहाँ पे 8 7 56, यहाँ पे 6 5 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। अब देखो 8 2 16, 16 के ऊपर अंदर आपको 5 ऐड करना है, 17 18 19 20 21, तो यहाँ पे आएगा 21 किलोमीटर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 216 किलोमीटर, क्या आएगा 216 किलोमीटर। नेक्स्ट है मीटर एंड सेंटीमीटर, अब अलग अलग दिया है तो देखो 4 1 4, तो ये हो गया। अब 2 के साथ करना है, 4 2 8, अब देखो 6 4 24, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 4 1 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे मीटर है तो मीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो क्या लिखना है आपको सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे हम 3 4 12, 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। अब देखो 3 5 15, 15 और 1 16, 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। अब 3 1 3 और उसके अंदर 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4, 3 6 18, 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। अब देखो 3 7 21, 21 के अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो 22, यहाँ पे किलोमीटर है तो किलोमीटर, यहाँ पे मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर, क्या आएगा 228 किलोमीटर एंड 462 मीटर। अब देखो ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन 2A है, वो आपको यहाँ से अब आपको नोटबुक में ऊपर हेडिंग डालनी है, एक्सरसाइज 16C, आज की डेट डालना वहाँ पे 13-1, नोटबुक में ऊपर आपको लिखना है CW। अब आपको नोटबुक में देखो A B C D और E, इतने सम आपको खुद को करने हैं प्रैक्टिस के लिए। कौन कौन से, ये 1 2 3 4 5 सम, ये आपको खुद को करने हैं, ओके। अब आपको मैं देखो एक्सरसाइज 16C में आपको ई तक आपको खुद को करना है। अब ये है 2F, F का क्या आएगा देखो 5 7 35, 5 यहाँ पे और अब हम F से करेंगे। देखो ई तक आपको खुद को नोटबुक में करना है, ओके। 5 7 35, तो यहाँ पे आएगा 3 और 5 6 30, 30 को नेक्स्ट है एफ वाला, 106 मीटर दिया है तो 5 3 5 7 35, 3 यहाँ पे 5 6 30, 30 के अंदर हमें 3 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 33, 3 यहाँ पे और 3 क्या हो जाएगी यहाँ पे कैरी। 5 1 5, 5 के अंदर 3 ऐड करेंगे 8, 6 7 42, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे क्या आएगा 2, 6 1 6, 6 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, तो यहाँ पे किलोमीटर है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे किलोमीटर। अब देखो नेक्स्ट दिया है जी के बाद एच वाला, 35 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 7, किलोमीटर है तो किलोमीटर, यहाँ पे 35 है तो क्या लिखना है आपको 35, 5 7 35, क्या होता है 7 5 35। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, 7 3 7 3
21 कितना आएगा, 7 थ्री जा 21, 21 के अंदर हमें 3 ऐड करना है, 22, 23, 24, तो कितना आया 245 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे, 9 5 जा क्या आएगा 45, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 क्या हो जाएगी कैरी। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, और आपको ये कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है, 72 में आपको कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है, तो 72, 73, 74, 75, 76, तो यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे 7 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। 9 1 जा 9, 9 के अंदर आपको 7 ऐड करना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पे क्या आएगा 16, तो क्या आएगा 1665 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1665 किलोमीटर। अब हमें दिया है जे वाला, 238 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 किलोमीटर है, तो हम ऊपर लिखेंगे किलोमीटर, 8 थ्री जा 24, यहाँ पे क्या आएगा 2, 3 थ्री जा 9, 10 और 11, तो 1 क्या आएगा यहाँ पे एरी, 3 टू जा 6, 6 के अंदर हमें कितना ऐड करना है 1, तो क्या आएगा 7, तो 714 किलोमीटर, क्या आएगा 714 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे 3A, क्या करेंगे हम अब 3A, तो देखो 3A में क्या दिया है हमें, 37 मीटर एंड 49 सेंटीमीटर, तो देखो मीटर है तो पहले हमें यहाँ लिखना है मीटर, और दूसरा क्या दिया है सेंटीमीटर, मीटर में कितना दिया है 37 और सेंटीमीटर में कितना है 49 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो 29 जा 18, 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी, 24 जा 8, 8 और 1 9, ये हो गया सेंटीमीटर का, मीटर का 27 जा 14, 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी, 23 जा 6, 6 और 1 7, यहाँ पे मीटर है तो क्या आएगा मीटर, ये सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, आंसर क्या आएगा 74 मीटर एंड 98 सेंटीमीटर। अब देखो बी है, 28 मीटर 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7, तो मीटर में लिखेंगे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे आपको लिखना है सेंटीमीटर, देखो मीटर में कितना है 28 और 14 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 जा 28, 2 यहाँ पे आएगा, 7 1 जा 7, 8 9 यहाँ पे कितना आएगा 7 1 7 और 29। अब देखो 7 8 जा कितना आएगा, 7 8 जा 56 और 5 यहाँ पे क्या हो जाएगी कैरी, 7 2 जा 14, 14 के अंदर आपको कितना ऐड करना है 5 ऐड करना है, कितना ऐड करना है 14 के अंदर आपको 5, तो 15, 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पे क्या आएगा 19 और ये मीटर है तो क्या हो गया हो जाएगा 109 मीटर का, इधर है तो 196 मीटर एंड 98 सेंटीमीटर। अब उसमें सी दिया है 43 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर एंड 17, तो मीटर एंड सेंटीमीटर, मीटर में कितना है 43, सेंटीमीटर में है 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, है ना। अब 5 3 जा 15, 5 यहाँ पे 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, तो 215 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। अब देखो डी दिया है, तो उसमें भी मीटर एंड क्या दिया है सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर में कितना है 52 और सेंटीमीटर में कितना है 13 है मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 जा 18, 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7, कितना
कितना आएगा 78। अब सेंटीमीटर का हो गया 100, 6 2 जा 12, 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी, 6 5 जा 30, 30 और 1 31, ये मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे सेंटीमीटर। तो आपको ये नोटबुक में लिखना है। और आज का होमवर्क है आपका नंबर 4 है ना, उसमें ए बी सी और डी ये आपको नोटबुक में जहाँ पे लिख रहे हो वहीं पे कंटिन्यू करना है। क्या है आज का होमवर्क? ए बी सी और डी, क्वेश्चन 4 है ना उसका होमवर्क है ये, ए बी सी और डी ये आपको होमवर्क में करना है खुद को। ओके, थैंक यू।